नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। 24 घंटे में 28,59,000 डोज लगे, अब तक लगभग 29 करोड़ डोज लगे गए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर खुला। पूर्व कृषि मंत्री बोंडे ने लगाया आरोप, कहा बीमा कंपनियों पर ठाकरे सरकार की कृपा। भारत में कोरोना की 92,000 नए केस, पिछले 24 घंटे में 2,219 लोगों की हुई मौत। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ 11 जून को पूरे देश में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। फाइजर 12 साल की कम उम्र के बच्चों पर बड़े स्तर पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा, रॉयटर्स ने दी जानकारी। शहर में मॉनसून के ट्रेलर ने खोली पोल, बारिश पूर्व प्रशासन की तैयारी के दावे ने किए खोखले। मेडिकल छात्रों को फीस की होगी प्रतिपूर्ति, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। स्कूल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट की बड़ी तारीख, 28 तक अपलोड करने होंगे मार्क्स। मंगलवार को शहर में 81 नए मामले आए सामने, 6 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।